सावरकर को भारत रत्न देने पर क्यों बवाल मचा है, क्यों इतनी बहस हो रही है, देखिए एक रिपोर्ट। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। सालों पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सावरकर के बारे में ये शब्द कहे तो शायद सोचा नहीं होगा कि उसी सावरकर के नाम पर आज सियासत साधी जाएगी। चुनावी जंग से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। वादे तो कई किए गए, लेकिन सभी वादों में एक वादा ऐसा भी था जिस पर राजनीति अब गर्मा चुकी है। महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, स्वातंत्र्य वीर सावरकर यांना भारत रत्न मिळालं पाहिजे या करता राज्य सरकारच्या माध्यमातून शिफारस तर आम्ही केलीच आहे। वैसे तो महाराष्ट्र सरकार ने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को भी भारत रत्न देने की सिफारिश कर रही है, लेकिन वीर सावरकर का नाम आने के साथ ही AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी दांवपेच शुरू कर दिए हैं और सावरकर के बारे में लंबी चौड़ी ट्वीट की, तो साथ ही बयानों में गोडसे को भारत रत्न दिलाने के लिए उनका प्यार भी नजर आने लगा। जहां उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, दूसरा पहलू है जब उन्होंने माफी मांगकर वो वापस लौट कर आए, तो इस दोनों पहलू पर ही हम लोगों को विचार करना चाहिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या में षड्यंत्र में उनका नाम भी दर्ज हुआ था। कांग्रेस ने सावरकर को भारत रत्न देने पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस की नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया। सावरकर के नाम पर सियासत के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत रत्न बटोरने के आरोप लगा दिए। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले समाज के विकास के लिए इतना काम किया, इन राष्ट्रभक्तों को भारत रत्न निश्चित मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने परिवार में भारत रत्न समेटना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस जंग के बीच आजादी में सावरकर की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी और सन 1857 की क्रांति से जुड़े सावरकर के किस्से भी बताए। और शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बन, उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। भारत रत्न तो बस एक जरिए की तरह है और इस जरिए के सहारे सियासत चमकाने की कोशिश चल रही है। फिर ओवैसी हो या कांग्रेस या बीजेपी, सियासत की बात में सावरकर का जिक्र राजनीति के नए रास्ते जरूर खोल रहे हैं। अब वोटर सावरकर को भारत रत्न के बहाने कितना पसंद करते हैं ये तो चुनाव के नतीजे आने के साथ ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।